अब आगे हम देखते हैं अय आदि संधि। जैसा कि नाम है अय आदि, यानी ए के बाद कोई भिन्न स्वर लगता है, मान लो ए जोड़ अ है तो इसका हो गया अय। अय है जोड़ अ लगा तो बन गया आय। ओ से अगर अ का मेल है तो अव हो गया, और आव है इसके साथ अ का मेल है तो बना आव। जैसे कि हम सूत्र के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ने जोड़ अनम तो क्या बनेगा। जैसा ए का आय बनता है उसी प्रकार से ने का नय बनेगा। छोट यहाँ पर आधा यह है परंतु ये अ उसमें मिल जाएगा तो पूरा यह हो गया। ने जोड़ अनम, ने से नय बना और अनम उसमें मिल गया तो नयनम हुआ। आय गए जोड़ अकह, आय से बना आय, आय का आय तो गए का गाय, और अकह तो गाय का हुआ। पो जोड़ अनह, ओ का आओ बना तो पो का पाओ बनेगा और अनह मिल गया तो पवनह हुआ। धौ जोड़ अकह, जैसे औ का आओ बना वैसे धौ का धाव बनेगा और अकह इसमें मिल गया तो ये पूरा हुआ हो गया और क मिल गया धाव का। इस प्रकार से आपकी अयादि संधि भी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे स्वर संधि को आज कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर अगली कड़ी में हम व्यंजन संधि को देखेंगे। तब तक के लिए पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।